क्रिकेट की दुनिया यानी कि माई स्पोर्ट्स शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इस स्क्वाड में ना ही जसप्रीत बुमराह है ना ही मोहम्मद शमी। जसप्रीत बुमराह तो अनफिट थे, इंजुरी के कारण जसप्रीत बुमराह को टीम के अंदर नहीं रखा। लेकिन मोहम्मद शमी को किस चीज़ के लिए नहीं रखा? मोहम्मद शमी को बैकअप प्लेयर के रूप में भी नहीं रखा। भारतीय टीम का स्क्वाड ये है: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और अवीश खान को, जबकि बैकअप प्लेयर में श्रेयस अय्यर को भी मौका मिला है और दीपक चाहर और अक्षर पटेल को मौका मिला है, जबकि मोहम्मद शमी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। यानी कि भारतीय टीम 28 अगस्त को पाकिस्तान के साथ कैसे भिड़ेगी, जबकि ना ही मोहम्मद शमी और ना ही जसप्रीत बुमराह है। जबकि पाकिस्तान का स्क्वाड पर भी एक नज़र डालते हैं, किस तरीके का स्क्वाड है पाकिस्तान का स्क्वाड ये है: बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, फकर जमान, हैदर अली, हरिस रूफ, इफ्तकार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह फरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर। ये है पाकिस्तान टीम का स्क्वाड। आपको कौन सा स्क्वाड अच्छा लगा? अगर जो कोई स्क्वाड भी आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।